अब खबर कोरबा से, जहां दीपिका से चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। जहां रविवार को आदतन शराबी पति ने चरित्र शंका की वजह से अपनी पत्नी पर कुदाल से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि डॉक्टर ने महिला को मृत भी यहां पर घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्सर अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर शंका करता था और इसी बात पर दोनों के बीच विवाद भी होता था। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया है और आरोपी का कहना है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। थाना में FIR दर्ज करवाया था और गुमशुदगी में और दूसरे मर्द के साथ में घूम रही थी, इसलिए रोज का जो है ना वही धमकी, मैं मरवा दूंगी, पिटवा दूंगी, और मैं मेरे को काम करने के लिए मुसीबत हो रहा था, इसलिए मैं जो है ना आज एक पौवा दारू पिया था और मैं मार दिया। किससे मारे आप? कुदारी से। शराब के पी करके दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते फूल साहेब भगत ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से सिर में वार करके हत्या कर दिया है। इसकी सूचना उसके लड़के अर्पित भगत के द्वारा थाना पुलिस में दी गई है, जिसके बाद मर्ग पंचनामा कार्रवाई हेतु मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई की जा रही है।